में अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसका शुभारंभ आगरा के एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया। आगरा में फायर विभाग की ओर से आम व्यक्तियों को अग्नि हादसे के प्रति जागरूक बनाने और उससे निपटने के लिए अग्नि सप्ताह सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत एसएसपी आगरा सुधीर कुमार ने कैंप ऑफिस से की। अग्नि सुरक्षा सप्ताह अभियान के पहले दिन जन जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में फार्म विभाग के पुलिसकर्मी, दमकल कर्मचारी शामिल हुए। रैली में कार्य विभाग की गाड़ियों में शामिल हुए थे। एसएसपी आगरा सुधीर कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसएसपी की ओर से जन जागरूकता रैली आगरा के कैंप ऑफिस से शुरू हुई, जो फूल सहैया चौराहा, प्रतापपुरा चौराहा, एमजी रोड होते हुए भगवान टाकी, ISBT गुरुद्वारा, ओवरब्रिज आदि जगह पहुंचकर लोगों को जागरूक किया। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। देखिए, आज से ये 14 अप्रैल से अग्निशमन सप्ताह मनाया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग द्वारा ये अग्निशमन सप्ताह मनाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो आग से बचाव के जो प्रयोग हैं उनके बारे में बताया जाता है, क्या सावधानियाँ रखना चाहिए उसके बारे में बताया जाता है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है और इसमें आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। आपने आगरा में भी देखा है, यहाँ पर जूते की फैक्ट्रियाँ हैं, केमिकल की फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें आग लगने घटनाएँ होती रहती है। तो कैसे हम बचाव करें, सुरक्षा के क्या उपाय अपनाएं, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। पंपलेट्स बांटे जाएंगे और गोष्ठी की जाएंगी इस संबंध में। जो उनके उपकरण हैं उन्हें चेक कराया जाएगा, जो सुरक्षा संबंधी अग्निशमन बचाव के उपकरण हैं उनकी चेकिंग कराई जाएगी, और जो ऐसे इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ आग लगने की ज्यादा संभावना है उनकी जांच की जाएगी। तो ये सब अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के दौरान किया जाए ताकि आग से बचाव हो सके। सर, अक्सर डेमो भी कराया जाता था स्कूलों में, फैक्ट्रियों में, वो भी? हाँ, देखिए, वो भी इस बीच में कराया जाएगा। आगरा में